जहरीली शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। हाथ उठाए थे कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए ना, समीक्षा किसकी, ये बात तय होना चाहिए ना। समीक्षा की बात, जिस समीक्षा का सब कानून बनाने में सर्वानुमति रहे, हाथ उठाए हैं, अपराध किए थे क्या, अपराध किए थे क्या, अपराध। और जनवरी माह भारी पड़ेगा एनडीए के लिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बीजेपी और जेडीयू के बीच तलवारें जो हैं वो खिंच चुकी हैं। बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी जो है वो बिहार में पूरी तरीके से फेल है, समीक्षा होनी चाहिए, तो जेडीयू कह रही है बीजेपी जो है उलूल जुलूल बयानबाजी ना करे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। एक तरह से शराबबंदी को लेकर बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा होता दिख रहा है। देखिए, ये सत्ता का जो नशा है इसी का असर दिख रहा है। दोनों पार्टियां शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के आपस में भिड़ी हुई हैं और इधर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। अब ये बताइए, एक ओर जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है और दूसरी ओर जिनको शराबबंदी करना है उन लोगों के ऊपर बिना शराब के ही नशा चढ़ा हुआ है। अब वो दोनों आपस में सरकार में लड़ रहे हैं। ये जो झगड़ा और रगड़ा चल रहा है जेडीयू बीजेपी में, तो हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया था, तो खरमास खत्म खेला शुरू, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पटका पटकी होगा, अभी तो गाली गल्लम जो हो रहा है वो तो देख ही रहा है लोग, जनता देख ही रही है। अब इससे बिहार की जनता का क्या ये भला करेंगे, इस लड़ाई से भला। इतना तो समझा जा सकता है कि ये दोनों पार्टियां मिल करके इस तरह से नशे में चूर है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और दोनों के मुखिया, दोनों के जो प्रमुख हैं एनडीए के मुखिया, आधी सरकार तो क्वारंटाइन है। अब तो हमें लगता है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से परमानेंट क्वारंटाइन में ना चली जाए। हम तो कहते हैं कि लोग कहते हैं खेला होगा, खेला होवे, खेला होवे, आप लोग बोलते हैं खेला होगा, अरे यही सब ना ये लोग खेला कर रहा है, इसी को ना हम लोग कह रहे हैं खेला होगा। अब ये सरकार में सत्ताधारी दल के लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, सिर्फ फुटवल मचा है, होड़ लगी हुई है। तो हमारा काम क्या है, तेजस्वी यादव जी का काम है कि जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ना। उस लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार है और जनवरी माह भारी पड़ेगा एनडीए के लिए। चलिए थे मृत्युंजय तिवारी जो कह रहे हैं कि जनवरी का महीना जो है वो बिहार एनडीए के लिए भारी पड़ने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।